हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डाबरा है नहीं तो एक लास्ट टाइम क्या राम राम जी। गुड मॉर्निंग सभी को और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं बड़े टूर्नामेंट की बात करूंगा और यस्टरडे टूर्नामेंट की पहले बात कर लेते हैं। यस्टरडे टूर्नामेंट हुआ बिहाली महेंद्रगढ़ में। ये टूर्नामेंट 21,000 का टूर्नामेंट था, ओपन टूर्नामेंट था और इसमें विनर टीम रही जॉनसीना रेवाड़ी टीम विद कमल जयपुर, विकास जय, चेतन। विनर टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन और सेकेंड टीम रही भालौट। तो सभी टीमों को कॉन्ग्रेचुलेशन और सभी टीमों का बहुत बहुत धन्यवाद। टूर्नामेंट में सम्मिलित हुए और टूर्नामेंट को कामयाब बनाया, अपना प्रदर्शन किया, खेल का अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी टीमों का सम्मिलित होने के लिए और विनर टीम को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन। और आने वाले टूर्नामेंटों की बात कर लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था महम रोहतक टूर्नामेंट के बारे में, सभी डिटेल बता रखी है, आप देख सकते हैं। अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो, सारी डिटेल बता रखी है उस टूर्नामेंट की। फर्स्ट इनाम 21,000 है महम रोहतक टूर्नामेंट में और जो फॉर्मेट है 6-1, 6 पंचायती, 1 बाहर का प्लेयर होना चाहिए। तो सभी डिटेल मैंने बता रखी है, उस वीडियो को जरूर देखें और शेयर भी करें। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं भाई एक और बड़े टूर्नामेंट के बारे में जो कि होने वाला है 12 मई 2024 को, यानी दिन रविवार। रविवार को ये टूर्नामेंट होने वाला है भाई और ये टूर्नामेंट है भाई गांव गरौंडा, करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में ये टूर्नामेंट है, जिसमें कि फॉर्मेट जो रखा गया है टूर्नामेंट का वो है 4-2 का। 6 प्लेयर प्लेइंग रहेंगे, 4 पंचायती प्लेयर, 2 बाहर के प्लेयर आप खिला सकते हैं अपनी टीम में। इस तरह से फॉर्मेट रखा गया है टूर्नामेंट में। और जो प्राइज की बात कर लें तो फर्स्ट प्राइज रखा गया है टूर्नामेंट में 21,000 रुपए, सेकेंड प्राइज है 11,000 रुपए और थर्ड प्राइज है 4,100 रुपए, फोर्थ प्राइज है 2,100 रुपए और जो 5वें नंबर से और 8वें नंबर तक पोजीशन आएगी जिस भी टीम की, उन सभी टीमों को, 4 टीमों को 1,100 रुपए दिए जाएंगे, प्राइज दिया जाएगा। और जो 9वें नंबर से 16 नंबर तक जो टीमें रहेंगी उन सभी टीमों को एक बॉल दी जाएगी। तो बहुत ही अच्छा प्राइज रखा गया टूर्नामेंट में, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होने वाला है भाई। विकास काजल के गांव में, घरौंडा गांव में ये टूर्नामेंट होने वाला है भाई। स्टार प्लेयर हैं भाई और सभी बातें पता है, टूर्नामेंट किस तरह से कराना चाहिए, क्या क्या सुविधा रहनी चाहिए। और मुझसे भी बात हुई है भाई की और मैं इस तरह से सभी सुविधाएं होनी चाहिए टूर्नामेंट में। और टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयरों को सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा, जो भी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करेगा खिलाड़ी, 3 वो बेस्ट प्लेयर, बेस्ट डिफेंसर, बेस्ट शूटर, बेस्ट नेटमैन जो भी रहेंगे, जो भी प्लेयर रहेगा टूर्नामेंट में, उन सभी को सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है, इनाम उनके लिए बढ़िया इनाम होगा उन सभी बेस्ट प्लेयर के लिए। टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा होने वाला है भाई और बढ़िया प्रयास किया जा रहा है, अच्छा टूर्नामेंट होगा, सभी सुविधाएं अच्छी हैं। और वीकेंड पे है, इतवार को टूर्नामेंट है, तो सभी पहुंचे इस टूर्नामेंट में और टूर्नामेंट को कामयाब बनाए भाई। सभी टीमों से मेरी रिक्वेस्ट है, राजस्थान की, पंजाब की और यूपी, सभी टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल हों और टूर्नामेंट को कामयाब बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खिलाड़ी से संबंधित सभी सुविधाएं इस टूर्नामेंट में रहेंगी, बढ़िया टूर्नामेंट होने वाला है भाई और फॉर्मेट भी बढ़िया है 4-2 का। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस टूर्नामेंट को कामयाब करें, टूर्नामेंट में जरूर शामिल हो अपनी टीम को लेके।
और जो बात कर ले टाइमिंग की, सम्मिलित होने की टाइमिंग की बात कर लेते हैं, 3 बजे का टाइम है, शाम को 3 बजे का टाइम है लोकल टीमों के लिए, जो 100 किलोमीटर की दूरी पे 50 किलोमीटर की दूरी पे टीम है वो 3 बजे पहुंच जाए टूर्नामेंट में, और जो दूर की टीमों के लिए 1 घंटे की छूट दी गई है, 4 बजे का उनका लास्ट टाइम है, तो टाइम से जरूर पहुंचे ताकि टूर्नामेंट भी जल्दी स्टार्ट हो सके। और ग्राउंड की बात कर लें तो ग्राउंड 3 ग्राउंड रेडी हैं, ग्राउंड की जो लोकेशन है जैसे बनाए गए हैं ग्राउंड उसकी मैं वीडियो डाल देता हूं, इसको देख सकते हैं आप, ग्राउंड की वीडियो भी डालिए, शेयर किया भाई ने तो वो भी मैं बता देता हूं, ग्राउंड देख सकते हैं। और एंट्री फीस 300 रुपए होगी, बढ़िया टूर्नामेंट होने वाला है भाई। एक बार फिर से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी टीम को लेके जरूर पहुंचे इस टूर्नामेंट में और टूर्नामेंट को कामयाब बनाए भाई। भाई भी जब भी टूर्नामेंट कराते हैं, आप सभी टूर्नामेंट कराते हैं तो शामिल होने की कोशिश रहती है भाई की टीम को लेके, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना भाई कि टूर्नामेंट में पहुंचे और टूर्नामेंट को कामयाब बनाए। तो मिलते हैं फिर, बढ़िया टूर्नामेंट होने वाला है भाई, और ग्राउंड का आप देख ले एक बार वीडियो। तीसरा ग्राउंड रेडी हो गया भाई, 2 तो कर दिए रेडी, तीसरा भी हो गया। जैसा ग्राउंड बनाया गया है तैयार किया गया है। और बाकी इस वीडियो में मैं अमित धूमसी, यूपी हरियाणा शूटिंग वॉलीबॉल लाइव के नाम से एफबी पेज है, उस पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा टूर्नामेंट में जो मैच चलेंगे, यूपी हरियाणा शूटिंग वॉलीबॉल लाइव के नाम से एफबी पेज है भाई का, तो उसे भी फॉलो कर ले, वहां पे लाइव चलाए जाएंगे मैच, तो भाई से बात करने की कोशिश रहेगी। चलिए मिलते हैं फिर, राम राम सभी को, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, व्लॉग में मिलते हैं। और इस वीडियो को रिक्वेस्ट है मेरी सभी खिलाड़ियों से ज्यादा शेयर करें ताकि ये डिटेल, ये टूर्नामेंट के बारे में पता लग सके सभी को और सभी टीमें पहुंच सके इस टूर्नामेंट में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो में, राम राम सभी को, राम राम जी।